हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सांगर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 2। आपने इंट्रोडक्शन में देखा कि क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होता है, उसका एग्जिस्टेंस कैसा है, उसके नेचर क्या है। नाउ इन दिस वीडियो वी विल गो थ्रू फर्स्ट कवर द एलिमिनेशन मेथड। अब हम इस चैप्टर को पढ़ने कैसे वाले हैं उसको एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। हम पहले मेथड्स को क्लियर करेंगे, फिर हम इक्वेशंस को बनाना सीखेंगे, फिर हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम पहले सबसे पहले मेथड्स को कवर करेंगे। तो पहली वीडियो है आपकी जिसमें हम करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, देखिए नाम से ही क्लियर है, एलिमिनेट। आपने रियलिटी शोज देखे होंगे, चाहे वो सिंगिंग शो हो चाहे डांसिंग शो हो, होता क्या है, एलिमिनेशन होता है। कंटेस्टेंट आता है और बाहर जाता है। अब मुझे ये बताइए कौन सा कंटेस्टेंट बाहर जाता है, जो वीक होता है, स्ट्रांग कभी नहीं जाएगा। बस यहां पे भी हम क्या करेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई। हम वीक कंटेस्टेंट को बाहर भेज देंगे। अब वीक कंटेस्टेंट आप पता कैसे लगाएंगे, सर जो कंटेस्टेंट छोटा होगा, जो कंटेस्टेंट नेगेटिव होगा, आप जाइए बाहर, आप हमारे काम के नहीं है। दैट्स इट। सिंपल सी मैं दो इक्वेशंस लेता हूं। एक्स देखिए, दो इक्वेशन ली मैंने, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू और एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू वन। ये मैंने दो इक्वेशंस ले ली। ओके, अब सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, ये मेथड चाहे एलिमिनेशन हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में लगती है जिसमें ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन बाय बी टू। और यहां पे देखिए a1 कितना है 1, a2 कितना है 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। मतलब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसी को सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, बोर्ड एग्जाम ने पता है क्या किया था, एक बार बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन दिया बच्चों को और बोला सॉल्व फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बच्चे भिड़ गए सॉल्व करने में और पता पड़ा ये कंडीशन वेरीफाई हुई नहीं, कंडीशन थी थर्ड वाली, और थर्ड वाली में सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो तो नो सॉल्यूशंस होते हैं। ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू, क्या होता है ये, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है कि नो सॉल्यूशन होता है, नो होता है। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी किसमें होता है, ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू, ये हो गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो वहां पे क्या केस था, वहां पे केस था नो सॉल्यूशंस का, ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाई टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू। और बच्चे भिड़े हुए करने में, कुछ बच्चे तो जो स्मार्ट थे उन्होंने बोला अरे इसका तो सॉल्व करना मुश्किल है, वो सिर्फ एक लाइन लिख के आए थे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू, उनको चार मार्क्स अवार्ड हुए थे सीबीएसई से। और जो बच्चे बेवकूफ जैसे इसको सॉल्व कर रहे थे, एक पेज भर के आए, आंसर तो निकलना था नहीं। हम आपको वीडियोज में दिखाएंगे भी कि कैसे वो सॉल्व नहीं होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज हम करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। एज आई टोल्ड यू वी विल एलिमिनेट द वीक वन। और यहां पे वीक वन कौन है, एक्स है। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं बाय एलिमिनेशन मेथड। हम टीचर को बता दें कि भाई हम कौन सी मेथड लगा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। चलो सर ये लिख दिया आपने एलिमिनेशन मेथड। ओके, सबसे पहली चीज जो इक्वेशन आपने बनाई है उसको नाम दे दीजिए, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू वन, एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू वन इक्वेशन टू। नाउ सी व्हाट यू हैव टू डू, लाइन खींची, डिवीजन मेथड की थी, साइन चेंज करते थे, समझ लीजिए डिवीजन मेथड है। ये किसमें दिख रहा है आपको, प्लस में तो साइन, माइनस किसमें दिख रहा है, प्लस में साइन, माइनस किसमें दिख रहा है, साइन माइनस कट गया। वाई में से टू वाई गए, माइनस वाई, टू में से वन गया वन, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस वन। ओके, अब देखिए, अब ये वाई की वैल्यू आई और आपके पास कितनी इक्वेशन है, दो इक्वेशन, किसी में भी पुट करिए। तो मैं तो बोला आप इसको उस इक्वेशन में पुट करिए जो सिंपल है, टफ में क्यों पुट करना, आंसर वही आएगा, सो सेव योर टाइम। तो पुट इन वन, वन सिंपल एज कंपेयर देन टू। देखिए जैसे हमने वन में पुट की y की वैल्यू, तो x प्लस माइनस वन इक्वल्स टू टू,
एक्स की वैल्यू आ गई 2 माइनस 1 वहां जाके प्लस 1 एक्स की वैल्यू आ गई 3 एक्स की वैल्यू आ गई 3 हमने निकाली एक्स और वाई की वैल्यू। अब मोटिव ये है कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इज दैट। कुछ मत करिए, आपने एक्स को निकाला है, आपने वाई को निकाला है, कितनी इक्वेशन है आपके पास? 2। किसी भी एक में वैल्यू डाल के देख लीजिए, किसी भी एक में। चलिए एक्स की वैल्यू कितनी है? 3। डाल के देखा 3, ओके। वाई की कितनी है? माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 आ गया, हो गया पहला वेरीफाई, हो गया फर्स्ट वेरीफाई, ओके। तो फर्स्ट आपका वेरीफाई हुआ 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अच्छा सेकंड में भी डाल के देखें, अब एक में करिए, मैं तो बता रहा हूं सिर्फ ऐसे ही, सिक्योरिटी लेवल हम बढ़ा रहे हैं अपना। एक्स कितना है? 3। वाई कितना है? प्लस 2 माइनस 1। डालिए देखिए, 3 2 1 2 माइनस का, और 3 माइनस 2 1, सही है। देखिए दोनों वेरीफाई हो गया, पीछे चेक करने की जरूरत है ही नहीं आपको, आपका आंसर 110% सही है। तो आप ऐसे वेरीफाई करेंगे, और ये क्वेश्चन सीधा सीधा 4 मार्क्स में सीबीएसई पूछती है। तो ये है एलिमिनेशन मेथड। हमने क्या किया, हमने किसको एलिमिनेट किया? हमने एक्स को। और ऐसा नहीं है, आप किसी को भी एलिमिनेट करिए, एक्स को करिए, वाई को करिए। पहले एक्स को करेंगे तो वाई मिलेगा, फिर वाई कर दीजिए तो एक्स मिल जाएगा, एक्स करेंगे तो वाई, वाई करेंगे तो एक्स, ऐसे करके आपको वैल्यूज मिलते जाएंगे। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अभी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, थोड़ा सा हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे। देखिए एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 1 और 2x प्लस y इक्वल्स टू 3। अब आप देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, x के कॉफिशियंट सेम थे तो काटना आसान था। भाई कटेंगे कब? जब कॉफिशियंट सेम होंगे तभी तो काट सकते हैं। कॉफिशियंट सेम होने चाहिए, साइन अलग होने चाहिए, तभी आप काट सकते हो। साइन तो अलग किए थे हमने, बट यहाँ पे कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसका कॉफिशियंट क्या है? 1, इसका 2, और इसका 3, इसका 1। तो अब एक चीज आप कर सकते हैं, किसी भी एक के कॉफिशियंट को सेम बना दीजिए। अगेन आई मस्ट से, आप छोटे वाले के कॉफिशियंट को सेम बनाइए, ठीक है। तो 2 बनाते हैं हम इसको, जब इसको 2 बनाएंगे तो आप खुद सोचिए, ये है आपकी इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। सो आई कैन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। मैंने इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? पूरी इक्वेशन को 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई। और आपने देखा होगा यूक्लिड ने क्या कहा था, अगर मल्टीप्लीकेशन करना है तो दोनों तरफ बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 2x, ये हो गया 2 3 जा 6y, और 2 बन जा 2, ओके। ये आपकी नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 3। और आप चाहें तो आप इसको इक्वेशन 1 वापिस से नाम दे सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नाम मत दीजिए, तो इक्वेशन 3 दे देता हूं मैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। अच्छा इनटू क्यू क्या समझ में आया आपको? क्योंकि हमें कैंसल आउट करना है। बाय एलिमिनेशन मेथड इक्वेशंस को उतारा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 2, ओके। इस इक्वेशन को नाम क्या दिया था मैंने? 2 और 3, क्योंकि हमने किसको मल्टीप्लाई किया था? मल्टीप्लाई बाय 2। कौन सी इक्वेशन थी? इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन आपकी 2 है और ये इक्वेशन 3 है। सॉल्व करें, देखिएगा साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, कौन कट गया? पहला वाला कैंसल आउट। अब देखिए y में से माइनस 6y गए तो कितना बचा? माइनस 5y। 3 में से 2 गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1 अपॉन 5 माइनस का, माइनस की 1 अपॉन 5 आ गई। अच्छा इसको आप किस में पुट कर देंगे? आपने अगर नोटिस किया हो तो वैल्यू हमेशा उसी में पुट करेगा जिन इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया है। आपने इसको मॉडिफाई किया है, ये जो इक्वेशन आई है ना ये मॉडिफाई है, आप वैल्यू हमेशा उसमें ही डालिएगा जिसको आपने सॉल्व किया है। तो पुट करें 1 में, पुट इन 2 में, 2 में पुट करें। तो देखिए ध्यान से करिएगा सॉल्व इसको, 2x प्लस y इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू माइनस 1 बाय 5 डालता हूं, 2
एक्स माइनस 1/5 इक्वल्स टू 3, 2x माइनस का तो वहां जाके प्लस, तो हो गया 5 3 15 15 प्लस 1 16, ये हो गया 16/5, ये इंटू में तो वहां जाके डिवाइड में, तो 16/2 ये हो गया 8/5, x की वैल्यू आ गई 8/5। अब आप सोच रहे होंगे कि सही है कि गलत है, कुछ मत करिए, मैंने सिखाया था अभी वेरीफाई करना, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़िए, किसको पकड़ना है, अपन थर्ड में डाल के चेक करते हैं, अपन थर्ड में डाल के चेक करते हैं। तो एलएचएस में डालिए, देखिए क्या है, 2x प्लस y है, वैल्यू डालिए, x की वैल्यू कितनी है 8/5, 2 × 8/5, ठीक है सर, प्लस y की वैल्यू कितनी है -1/5, 16, ये हो गया 16/5 -1/5, 16 में से 1 गए 15/5, और 15/5 क्या होता है 3, देखिए 3 के इक्वल है, मतलब अपना आंसर सही है। यू डोंट नीड टू चेक योर आंसर, आपका आंसर यही वेरीफाई हो गया। वेरीफाई करने में टाइम कितना लगा, हाँ अभी शुरू में कर रहे हैं आप, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो इट विल बी अ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू, बट हाँ जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, 1000 बार, ये चीजें परफेक्ट होती जाएगी, इवन आप ओरली वैल्यू उसको वेरीफाई करेंगे। तो आपने इस वीडियो में देखा कि एलिमिनेशन मेथड करते कैसे हैं हम लोग। नाउ वी विल सॉल्व सेम दिस इक्वेशंस विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपने देखा होगा हर गेम में एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है, उसका काम क्या होता है, जब मेन प्लेयर अगर गेम नहीं खेल रहा, देन ही प्ले द रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेयर, वो उसकी जगह उसको रिप्लेस करके आता है और खेलता है, तो बस उसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट, उसकी जगह वो खेल रहा है। तो हम करेंगे क्या, सपोज टू बी हमने दो इक्वेशंस ली, दो इक्वेशंस हमने ली, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 1 और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2, दो इक्वेशंस ली, ओके एज यूजुअल इसको नाम क्या दे देंगे आप, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखिए अगेन जितनी भी मेथड्स हैं इस चैप्टर में, पहली चीज तो ये कि कोई बाउंडेशंस नहीं है कि आप कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं, ओके दूसरी चीज ये भी कोई बाउंडेशंस नहीं है कि कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं, इट्स ऑल योर चॉइस, इट्स ऑल अप टू यू वेदर यू आर टेकिंग द सिंपल वेरिएबल हैविंग द मिनिमम कॉफिशियंट और हैविंग स्मॉलर कॉफिशियंट, और आइदर यू आर टेकिंग द वेरिएबल हैविंग द मोर कॉफिशियंट और हायर कॉफिशियंट, जिसकी लार्जर वैल्यू है वो है, तो ये चॉइस आपकी है कि आप किसको लेना चाहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोला जाए तो मैं इधर से मैं किसी को फ्री करना चाहूंगा फ्रॉम इक्वेशन टू। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, देखिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पूरा लिखिएगा, मैं एब्रीवेशन यूज कर रहा हूं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूं, मैं पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन यूज कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन टू, देखिए मैंने मेंशन कर दिया फ्रॉम इक्वेशन टू में से आप किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए मैं निकाल रहा हूं x की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि y माइनस में तो वहां जाके किसमें हो जाएगा, तो मैंने x की वैल्यू निकाली, तो देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो माइनस में तो वहां जाके ये इक्वेशन आ गई। अब ये मैंने कहां से निकाली है, 2 से, अब 2 से निकाली तो मैं इसको किसमें पुट करूंगा 1 में, अच्छा मैं 1 से निकालता तो किसमें पुट करता 2 में, ठीक है तो पुट इन 1, तो मैं इसको पुट करता हूं 1 में, पुट इन 1 में पुट करते हैं x की वैल्यू, देखिए x क्या है आपके पास, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 है, x क्या है आपका 2 प्लस 5, एक्स के लिए मैं कह सकता हूं 2 प्लस y प्लस 2y इक्वल्स टू 1। अच्छा अब ये देखिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन गया, सॉल्व कर सकते हैं आप इसको इजीली, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, देखिए y प्लस 2y 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 1, ठीक 3y ऑलरेडी यहां छोड़ा, ये 2 प्लस का तो वहां जाके माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1, तो y की वैल्यू आ गई -1/3, आ गया -1/3, अच्छा -1/3 आ गया y, अब आप किसी में भी पुट करिए,
और मैं तो बोलूँ आप किसी में क्यों पुट करेंगे, आप इसमें पुट करेंगे, ठीक, x मिल जाएगा सीधा सीधा। तो सिंस इसको इक्वेशन थर्ड दे दीजिए ना, पुट इन 3, ओके, और अगर नाम नहीं भी देते तो भी चलता, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस वाई, वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस 1/3। एलसीएम लीजिए, माइनस में हमने बोला था एलसीएम लेना है माइनस प्लस में, तो 3 टू 6, 6 में से 1 गए 5, 5 अपॉन 3, ये आ गया 5 अपॉन 3, और वो आ गया माइनस का 1 अपॉन 3। लेट्स वेरीफाई द आंसर, आंसर को वेरीफाई करते हैं, डाल के देखिए सिंपल वाली इक्वेशन में डाल के देखिए, एक्स माइनस वाई, ओके, एक्स कितना है आपका 5/3, माइनस वाई कितना है माइनस का 1/3, माइनस माइनस प्लस, ओके, तो गया 5/3 प्लस 1/3, 5 प्लस 1 एलसीएम लेने की जरूरत है क्या, नहीं, 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन 3 2 आ गया, देखिए 2 है, मतलब मेरा आंसर सही है। इट्स अ सिंपल मेथड बाय विच यू कैन चेक योर आंसर, और ये आपको रफ में करना है, इट्स अश्योर यू, इट्स गिव यू द गारंटी दैट यू आर 110% करेक्ट, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपका आंसर गलत हो जाए तो इस मेथड से आप रफ में चेक करिएगा, मैं कह रहा हूं करिएगा मतलब करिएगा, अगर आपको श्योरिटी चाहिए कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, और इतना टाइम मिलेगा, मैं आपको टाइम मैनेज करना भी सिखाऊंगा मैथमेटिक्स में कैसे किया जाता, हम सारी चीजों को सीखेंगे, बस आप फॉलो करिए हमें, हमारे चैनल को स्टडी बियॉन्ड क्लासेस को, वहां पे आपको ए टू जेड चीज में आपको मिलेगी, वहां पे हर चीज बताई जाएगी कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है हमें, और क्या करना है क्यों करना है कब करना है कैसे करना है, ओके, तो ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आई, वेरिफिकेशन समझ में आया आपको, देखिए ये तो हो गया एक पार्ट, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। अनदर थिंग, आपको मैंने क्या बोला था, पहले आप देखिए आप कौन सी इक्वेशन को सेपरेट करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो देखिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो मैं लगाता हूं बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड। अब आप देखिए दूसरी इक्वेशन, यहां पे कोफिशिएंट 2 है, यहां 3 है, यहां पे 1 मिल रहा है, तो मैं इसको फ्री कर लूं, तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, मुझे इक्वेशन सिंपल बनानी है, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 3x प्लस वाई है, तो मैंने किसको फ्री कर दिया, y को क्यों फ्री किया, क्योंकि y छोटा है, y को फ्री किया, तो हो गया 1 माइनस 3x, इतनी बात समझ में आई, इक्वेशन 1 था 2 था, इसको दे दो 3, ओके, अगर आप भले ही नाम ना दें कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है, कोई बाउंडेशंस नहीं है, पुट इन, कहां से निकाली आपने इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकाला है, तो पुट इन 2, हमने इसको किसमें पुट किया, 2 में, चलिए 2 इक्वेशन क्या है, देखिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, तो y की जगह पुट करिए इसको, 2x प्लस 3 1 माइनस 3x इक्वल्स टू 1, अब ध्यान से मल्टीप्लाई कराइएगा, देखिए 2x प्लस 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 3 जा 9x इक्वल्स टू 1, गॉट इट, 2x में से 9x गए माइनस 7x इक्वल्स टू 1, प्लस का 3 वहां जाके माइनस का 3, तो देखिए माइनस 7x 1 में से 3 गए माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/7, मैं कर दू इसमें पुट x की वैल्यू 2/7 इसमें पुट कर दू, कर दें, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दिया था ताकि मेरे को वहां लिखने में सिंपल है, तो मैं लिख दू इक्वेशन थर्ड, कोई इशू तो नहीं है, तो पुट इन थर्ड, थर्ड में पुट किया, अब देखिए y इक्वल्स टू 1, एक बार ध्यान रखिएगा जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो एक बार देख लीजिए कि आपने सही लिखा है, क्योंकि हल्की सी भी गलती आपका पूरा आंसर गलत कर देगी, और यहां पे मार्किंग स्कीम में जो मार्क्स मिलते हैं बोर्ड एग्जाम्स में वो इसलिए मिलते हैं स्टेप बाय स्टेप के मिलते हैं, अब आपने यही चीज गलत कर दी तो ये स्टेप तो यूजलेस हो गई आपके लिए, तो यहां अटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों की, तो वैल्यूज डालते हैं, तो y इक्वल्स टू 1 माइनस 3 2/7, ओके, इधर देखिए अब
ये हो गया 1 - 3 2 6/7। एलसीएम लीजिए, 7 बन जा 7, 7 में से 6 गए, 1 1/7 आ गया, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 1/7। चलिए x ये y ये वेरीफाई कर लें, किसी भी इक्वेशन में डाल दिया आप, कोई इशू नहीं है। मैं डाल रहा हूं पहली इक्वेशन, इस इक्वेशन में डाल रहा हूं मैं, ठीक है, चेक करने के लिए। 3x + y, 3 × x 2/7 + y 1/7। देखिए 3 × 6/7 + 1/7, 6 + 1 = 7, 7/7 1। देखिए वेरीफाई हो गया, मतलब मेहनत बेकार नहीं हुई। ये सबसे बड़ा फायदा आपको लग रहा होगा वेरिफिकेशन, इसको आपको ये बात ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट आप रफ में करने वाले हैं, जस्ट टू अश्योर यू दैट यू आर करेक्ट, कि आप बिल्कुल सही हैं, इसलिए आप ये रफ वाले पार्ट में करेंगे, टीचर्स को नहीं दिखाएंगे कि आपने आंसर को वेरीफाई किया है। आपसे कभी भी नहीं बोलेगा कि वेरीफाई योर आंसर, कभी नहीं बोलेगा। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है यहाँ पे, वो ये चीज है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करते हैं या कोई सी मेथड, एलिमिनेशन तो एक ऑप्शन है चेक करने का। ये अपने आप में हिंट दे देगा आपको कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। इवन 2 साल पहले की बात है, मेरा एक स्टूडेंट सेम अप्रोच लेके चला था, उसने सॉल्व किया इक्वेशंस को बनाया, अब एट द एंड उसका आंसर आया, बट उसको जब फ्री टाइम मिला तो उसने चेक किया, तो उसने एक मिस्टेक कर दी थी, फिर उसने वापिस उस क्वेश्चन को रिपीट किया और उसका सही आंसर आया और उसके 4 मार्क्स सीधे सीधे बच गए। अगर वो नहीं करता तो वो जहां उसने 95 स्कोर किया वो 91 पे रह जाता। ओके, तो ये चीजें छोटी मोटी चीजें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने, आपको एग्जाम में चॉइस नहीं दी जाएगी, आपको जो सॉल्व करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो है ऐसा नहीं बोलेगा पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन करिए, एलिमिनेशन करिए, लेकिन बोल भी सकता है, क्योंकि अभी तक सीबीएसई ने अपने ट्रेंड को बहुत ज्यादा चेंज किया है। इवन सीसीई से फिर वो बोर्ड एग्जाम्स में आई, बोर्ड एग्जाम से वापस सीसीई में चली गई थी, फिर वापस से बोर्ड एग्जाम्स की तरफ स्विच कर लिया सीबीएसई ने। तो ये चीज आपको समझनी है और उसके हिसाब से स्टडीज करनी है। आई होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।